नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। बात करेंगे अमेरिकी सैनिकों की। बताया ये जा रहा है कि 3300 अमेरिकी सैनिकों को अमेरिकी सरकार सेवा से बर्खास्त कर सकती है, उन्हें नौकरी से निकाल सकती है। जानते हैं क्यों? बहुत दिलचस्प कारण है और इस वीडियो में हम आपको वो कारण बताने जा रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी सेना उन सैनिकों को तुरंत छुट्टी देना शुरू कर देगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार किया। अगर अमेरिकी सेना ऐसा करती है तो 3300 से अधिक जवान सेना की नौकरी से बाहर हो सकते हैं। मरीन कॉर्प्स, वायुसेना और नौसेना इससे पहले ड्यूटी पर तैनात और एंट्री लेवल पर कर्मियों को बूट कैंप में वैक्सीन लेने से इनकार करने पर निकाल चुकी है, लेकिन वैक्सीन लेने से इनकार करने वाले किसी भी सैनिक को अब तक सेना से नहीं निकाला गया है। सेना की ओर से पिछले हफ्ते जो आंकड़े मिले उसके मुताबिक 3300 से ज्यादा जवानों ने वैक्सीन लेने से इनकार किया। सेना ने कहा कि 3300 से अधिक सैनिकों को आधिकारिक रूप से चिट्ठी लिखकर ऐसा करने पर फटकार लगाई गई। ऐसा करने वाले सेना के जवान अनुशासनात्मक प्रोसेस से पहले ही पहचाने जा चुके हैं, जिनसे कुछ को सबसे पहले निकालने की तैयारी है। दरअसल पेंटागन ने ड्यूटी पर तैनात सभी सैनिकों, नेशनल और रिजर्व गार्ड को वैक्सीन लेने का आदेश दिया हुआ है। पेंटागन की ओर से कहा गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार तेजी जारी है, इसलिए सैनिकों को स्वास्थ्य रखने के लिए कोरोना वैक्सीन लेना जरूरी है। अब तक कुल सैनिकों में से 97% को कोरोना का पहला डोज लगाया गया है। सेना सचिव क्रिस्टीन वुमर्थ ने निर्देश जारी कर कमांडरों को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार किया है। कहा गया है कि सेना की तैयारी उन सैनिकों पर निर्भर करती है जो सेना को प्रशिक्षित करने, तैनात करने, लड़ने और जीतने के लिए तैयार हैं। ऐसे जवान सेना के अन्य जवानों के लिए खतरा बनते हैं। कुल मिलाकर बीते हफ्ते तक लगभग 600 नेवी एयरफोर्स के जवानों को बूट शिविरों में एंट्री लेवल के ट्रेनिंग से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि इन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी। ये काफी अप्रत्याशित मामला है, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से सख्ती बरत रहा है उससे ये दिख रहा है कि कोविड जो है वो कितना खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि सेना में अनुशासन जो है वो सबसे पहले आता है। अब ऐसे में अगर ये जवान जो अपने ही सीनियर्स का आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, ये जवान कैसे देश की अपनी सेवा करेंगे, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। जबकि हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश की सेना जो है वो दुनिया के बेस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मी में इसीलिए गिनी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ अनुशासन सर्वप्रथम है और हमारे यहाँ आदेशों की अवहेलना नहीं की जाती है।